वही है, वो भी हम ही हैं और हम भी वही हैं, यानी दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन विचारधारा अलग है। हम अपनी विचारधारा पर रहेंगे, हम अपने पर हो, लेकिन गंदे कमेंट ना करो एक दूसरे पर। इसका समाज का जो है तो माहौल खराब हो। हिंदू उसमें चले गए, हम मुसलमान बन गए थे, तो इस वजह से दोनों का खून तो एक ही है। लेकिन ये जो प्लान प्लान वाला मामला हो रहा है, ये प्लान वाला मामला क्यों है? क्यों जनता की आवाज दबाई जा रही है? क्यों हमारे जो विधायक नाई? स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे हॉट सीट प्रदेश की कैराना विधानसभा जो है वो बनी हुई है, क्योंकि प्रदेश में जो कैराना विधानसभा क्षेत्र है, कैराना विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी इसी विधानसभा सीट से की थी। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करके गए हैं। यहाँ पर उन्होंने डोर टू डोर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की है। यानी इस सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प पहले से ही होता हुआ है। पहले भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो मुनव्वर हसन का परिवार है और बाबू हुकम सिंह का परिवार है, उन दोनों परिवारों में आमने सामने की टक्कर राजनीतिक रूप से रही है। इस बार फिर दोनों परिवार के सदस्य आमने सामने हैं, जहां कल जो नाहिद हसन थे उन्होंने नामांकन किया था, वो स्वीकार कर लिया गया है। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो नाहिद हसन होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय हुकम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ ये गंदराव गांव है, कैराना विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि इनकी क्या राय 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि देश की निगाह कैराना विधानसभा क्षेत्र पर लगी हुई है। जी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हारून। जी क्या करेंगे, आपकी सीट तो चुनाव नजदीक आ गया है, एक बार फिर दोनों परिवार आमने सामने हैं, तो आप किस पार्टी के पक्ष में? गठबंधन में वोट देंगे। गठबंधन? गठबंधन के साथ रहोगे? पहले किसके साथ रहे थे? पिछले में तो पता नहीं कहाँ थे, अपने गठबंधन के साथ हैं। प्रत्याशी आपके जो है नाहिद हसन, वो जेल में है, तो चुनाव कैसे लग रहा है आपको? अब तो हरेक कार्यकर्ता ही नाहिद है जी। कैराना विधानसभा में जो उसके कार्यकर्ता हैं सब नाहिद हसन है, नाहिद हसन बन के ही चुनाव लड़ेंगे। तो सब चुनाव लड़ रहे हैं यानी? हाँ जी, सब चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कमजोरी नहीं है, पूरी दिलेरी के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। जी आपका क्या नाम है? आलिम है जी। जी आपको क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा आपकी सीट पर? बैठा हो रहा काम ना ही दे भाई। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर तो जाए लिए, ये तो पार्टी देखो फिर 5 साल में डूब गए, डूब लेन किसान ये मतलब लग रहे, पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। यानी जो किसानों के मुद्दे हैं, किसान आंदोलन, वो प्रभावी रहेगा आपकी सीट पर? प्रभावी है जी, अगला भी सीजन देखो पूरा जाए लिया, पिछले सीजन का भी अलग पेमेंट नहीं, कहाँ तक क्या करेंगे, भूखमरी आ रही किसानों में, क्या करेंगे? तो बदलाव के मूड में? बदलाव बदलाव। जी आपका क्या नाम है भाई? दाऊद देंगे। आप क्या करोगे? नाहिद हसन को वोट देंगे। गठबंधन को? गठबंधन के साथ रहोगे? उम्मीदें क्या है आपको गठबंधन से? काफी उम्मीद है कि रोजगार भी मिलेगा और किसानों की समस्या का हल होगा। कैराना प्लान, आपको बता दें कि जो कैराना विधानसभा क्षेत्र है, ये 2017 में कैराना प्लान का जो मुद्दा चला था उसको लेकर चर्चाओं में आई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैराना प्लान के मुद्दे पर प्रदेश में बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। हालांकि कैराना में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन बड़े अंतर से यहां से चुनाव जीते थे। जी जो कोई प्लान नहीं है जी, ये तो प्लान थी, प्लान के तहत प्लान हो रहा, प्लान कैराना में नहीं थी। वो रोजगार के लिए बाहर जा रहा था, थोड़ा प्लान, तुम्हारे यहाँ भी प्लान हो रहा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड से आ रहा, प्रधानमंत्री गुजरात से आ रहा, मैं भी प्लान कर रहे, तुम्हें भी प्लान हो रहा। कारोबार बढ़ाने के लिए जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद रसाद जी। जी क्या लग रहा है इस बार क्या करोगे, आपकी सीट बेहद चर्चाओं में? यही नहीं है, यही नहीं, पूरी यूपी में लह रहे हैं, गठबंधन की लह रहे हैं, पूरी यूपी में लह रहे हैं। बढ़िया जीता गठबंधन, खूब बढ़िया, एक तरफा। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद। जी जुनेद जी क्या करोगे चुनाव में इस बार? यहाँ तो जी विधायक नाहिद हसन जी गठबंधन के साथ है। विधायक जी आपके जो प्रचार है वो कर नहीं रहे, जेल में बंद है। इससे बढ़िया और क्या है, 300 यूनिट फ्री है, बिजली किसानों की फ्री है, 3 लाख का कर्ज मुक्त करे, इससे बढ़िया हमें और कौन सा मुख्यमंत्री लगेगा? प्रचार की तो जी ये बात है, यहाँ से हर कार्यकर्ता नाहिद हसन है, सब नाहिद हसन करके चुनाव की मेहनत कर रहे हैं, नाहिद हसन है पूरी मेहनत से। जी आपका क्या नाम है भाई? मोहसिन। आप क्या करोगे मोहसिन जी? हम गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ रहोगे? जहाँ भी गठबंधन होगा और कहेंगे भी गठबंधन के साथ लगो, यहाँ जहाँ भी मेहनत भी करेंगे, सब चीज करेंगे, गठबंधन के साथ रहेंगे। पहले किसके साथ थे? पहले भी नाहिद हसन के साथ थे, गठबंधन हो गया, इसके नाहिद के साथ ही है।
जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद। आप क्या करोगे? तो नाई दसन की साथ नाई दसन से ही वोट और जीतने की भी दुआ करें। पहले भी आप नाहिद के साथ ही थे? जी पहले भी। लेकिन पहले इस बार जो आपके प्रत्याशी हैं वो नहीं है, आप लोगों के बीच नहीं आए, जेल में बंद है, तो उनकी अनुपस्थिति का क्या असर मान रहे हैं, क्या रहेगा? अब के और जोर लगाएंगे, मोटी जीत होगी जी, और ज्यादा मोटी जीत से जीते, यानी उसका कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा जी, और डबल जीत होगी, मोटी जीत होगी इंशाल्लाह, तो देख लो 50,000 तक पैर जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि इस बार कैराना में जीत दर्ज करेंगे, प्लान रुक गया, पहला कर ली उन्हें दो बार, तीसरी हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक लगेगी जी, अब हैट्रिक लगेगी जी। वोट बन गए भाई, पहली बार वोट डालोगे? किस पार्टी के पक्ष में वोट करोगे? अखिलेश यादव। क्या उम्मीद है अखिलेश यादव से? बहुत उम्मीद है जी, रोजगार मिलेगा जी, नौकरी लगेगी, यानी जो वादा उन्होंने कर रखा 10,00,000 युवाओं को रोजगार देने का, उस पर देंगे जी। जी जो भी अखिलेश अखिलेश यादव जो भी करते हैं, जो फैसला करे, जो वादा करे वे सही करे, वे फेंकते नहीं लंबी लंबी, 15 करोड़ दे दिए खाते में, 15,00,000 दे दिया, काला धन ले लिया दे दिया, वो नहीं करते वे, वो तो जो करे ना साफ करे, जो भी बोल लेंगे सच बोल लेंगे, झूठ का कोई मतलब ही नहीं, फेंकू का फेंकू तो हो रहे हैं, जी अपने वादे पे खरे उतरे, पहले भी जो सरकार में वादे करे जी पूरे करे, अब भी पूरा करेंगे, इनकी डाल झूठे सच्चे नहीं फेंकते जी, फेंकनी। तो आपको उम्मीद है जो वादे अखिलेश यादव कर रहे हैं जनता से वो पूरे कर देंगे? पूरे करेंगे जी, तो चाहिए जी, जो मैं कहते हैं अच्छे दिन आवेंगे, हमारे तो पुराने दिन लौटा दो, 14 वाले पुराने दिन लौटा दो, जिसमें सिलेंडर 350 का था, 1,000 रुपए और जी यो पेट्रोल जो 65 था, और एक खार के कट्टे में चोरी कर ली मारे 50 किलो का, अगर तो 45 किलो का कर दिया, इन चोरों तो बचा जी, मिलता भी नहीं जी, कार के लाइन में लगना पड़ा है जी, ऐसा हो रहा सरकार। तो क्या करोगे इस बार आप? गठबंधन से गठबंधन के साथ रहोगे जी, पहले किसके साथ थे? पहले भी नहीं दसन के साथ थे, इस बार फिर फिर जी। आपका क्या नाम है भाई? क्या करोगे इस बार? इस बार नहीं दसन को वोट देंगे, गठबंधन को। प्रत्याशी तो आपके बीच है नहीं अभी, तो बड़ा कोई बात ना हो जी, वे भी आ जाएंगे, ये सब नाई दसन ही है जो यहाँ खड़े है, नाई दसन बनकर चुनाव लड़ेंगे जी। आपका क्या नाम है भाई? रोशन अली। आप भी गठबंधन के साथ? जी बिल्कुल, गठबंधन सब एक साथ है जी, जी सब एक जगह मिलेगा, गठबंधन है सब, यहाँ एक तरफ एक तरफ है जी बिल्कुल। अरे इंशाल्लाह जीत भी होगी जी, पहले 22,000 थे, अब का 50,000 पार हो गया, 20 तो बराबर जीत मानी जाएगी, 20,000 तो बराबर जीत मानी जाएगी जी, पहले 50,000 से जीत हुई थी, 50,000 से 50,000 तक पूरी जीत है जी, 22,000 तक पहले हुई थी, 50,000 होगी जीत के, इनका गठबंधन भी है जी मेरे साथ में, गठबंधन भी है हमारे साथ, हाँ राष्ट्रीय लोक दल का, पहले से चौधरी का साथ है, पहले गठबंधन नहीं था कुछ नहीं था, 20,000 था तो पहले जीत गए थे हम, इनका तो गठबंधन भी है सब कुछ है, तो 50 है कम से कम, 50,000 था जी, 50 के पैर, 50 के पार है। तो एक कैराना विधानसभा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, ज्यादातर मतदाता मुस्लिम मतदाता इस गांव में हैं और नाई दसन के समर्थन की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि नाई दसन को गैंगस्टर एक्ट के चलते पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण वो इन लोगों के बीच नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति जो है, यानी इनके जो प्रत्याशी है वो इनके बीच नहीं है, उसके बावजूद भी नाई दसन के समर्थन की बात लोग कर रहे हैं और नाई दसन बनकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं कि नाई दसन हर कार्यकर्ता नाई दसन बनकर चुनाव लड़ेगा। आगे भी हम आपको कैराना विधानसभा क्षेत्र के अन्य गांव की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करेंगे जी। वो जो है दोनों पार्टियों की तरफ से जो सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट कर रहे हैं एक दूसरे पर, ऐसा ना होना चाहिए, भाईचारा कायम रखना चाहिए, गंदे कमेंट बिल्कुल ना करने चाहिए, दोनों एक ही परिवार है और पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन गंदे काम ना करना चाहिए, एक दूसरे पर गंदे कमेंट कर रहे हैं, यानी जो सोशल मीडिया पर माध्यम गंदे कमेंट कर रहे हैं एक दूसरे पर, जो काम होना ना चाहिए बिल्कुल गलत है, वो तो आज भी वही है, वो भी हम ही हैं और हम भी वही हैं, यानी दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन विचारधारा अलग है, हम अपनी विचारधारा पर रहेंगे, हम अपने पर हो, लेकिन गंदे कमेंट ना करो एक दूसरे पर, खून तो एक ही है, समाज का जो है माहौल खराब हो, ऐसे काम करना ना चाहिए, खून तो एक ही है जी, इन लोगों का खून तो एक ही है, एक ही परिवार था,
वे हिंदू उसमें चले गए, हम मुसलमान बन गए थे, तो इस वजह से दोनों का खून तो एक ही है। लेकिन ये जो पलायन पलायन वाला मामला हो रहा है, ये पलायन वाला मामला क्यों है? क्यों जनता की आवाज़ दबाई जा रही? क्यों हमारे जो विधायक नाई दसन है वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, वो दबाई गई? क्या के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? अमित शाह है, क्या काम था इनका? कभी रैली में भी नहीं, हाँ कभी रैली में भी नहीं आए थे यहाँ से, लेकिन अब डोर टू डोर घूम रहे हैं। क्यों? उन्हें दिख रहा है तीसरी इलेक्ट्रिक लगने वाली है, और ये इलेक्ट्रिक ऐसी लगेगी कि ऐसी सीट कोई सी नहीं जीती होगी। जैसे हमें सीट इसकी अनुराधा की जितवाई थी, ऐसे ही अब नाई दसन की जीतेगी, क्योंकि एक तरफा होगा, एक तरफा होगा, इससे कह नहीं सकते। एक इसमें ये भी है कि नाई दसन की कितनी वीडियो देख लो आप, चाहे जिंजाना हॉस्पिटल की देखो, दिवाली के टाइम पे डॉक्टरों को कह रहा है होली की वीडियो है, होली की वीडियो पे ये कह रहा कि भाई हिंदू मुस्लिम ने हिंदू भाइयों ने दवाई जो है मिलनी चाहिए, इसका इंतजाम होना चाहिए। और दूसरे ये जो है, जैसे लॉकडाउन में जो कहा पहले राशन जो है विपरीत कर रहे थे, पहले राशन जो है वो हिंदू भाइयों को दिया जाए, ये ना हो कि इतने मुसलमान कैंडिडेट है और मुसलमान जो यहाँ का विधायक है मुसलमान अपने को ही दे रहा है। लेकिन पहले उसने ये कहा, अपने वीडियो में भी देखा हो, तो इस चीज़ देखने के लिए जो देखा, आप ये देखना चाहते हो अगर विधायक जो है, विधायक कहीं भी अगर इस पर गुंडा एक्ट लगी या कुछ भी लगा, जनता की आवाज़ उठाने में लगा, यानी आपका मानना है जो मुकदमे दर्ज हुए वो लोगों के लिए हुए, लोगों के लिए हुए, वो किसी अपना पर्सनल मामला नहीं था विधायक का, वो सारा जो कुछ भी था लेकिन जनता के लिए था, जो भी जनता के लिए आवाज उठाई या किसी पीड़िता के लिए आवाज उठाई या किसी उसके गंगों में, अगर आपने वीडियो देखी होगी कि एक मर्डर हुआ था, उस मर्डर में उसकी तहरीर नहीं ले रहे थे, लेकिन वहाँ भी आवाज अगर जो उठाई है उसने, तो वो भी उसी पक्ष के लिए उठाई है, लेकिन जनता की आवाज़, हाँ जो कुछ भी है, हाँ अच्छा ये भी थे उनको उठाई, इस तरह जो मामले बने जैसा ही पब्लिक की मदद के लिए आए तो उनकी जबरदस्ती करके उन्हें जो है जेल में सुला जा रहा, ये जारी का काम करा रहा है। जैसा 2014 का चुनाव लड़ा इन्हें, बीजेपी के सामने जीता, उसके बाद 2017 का चुनाव लड़ा, वो बीजेपी के सामने जीता, उसके बाद इन्हें रणनीति बना ली कि यहाँ इस पे गरीब जो मजदूर हैं, ये ठेली वाले हैं या कोई और भी है, उन पे उन्हें दबाव बनाया, उन्हें था कि ये रुकने वाला नहीं है, जनता की आवाज़ को दबाने वाला नहीं है, उखाड़ेगा यो, तो वहाँ रेडी वालों के लिए जो कहा गया इसने कहा कि भाई अच्छा जी बेसी बात है, जो कहे अगले भाई बीजेपी वालों पर तो सामान ना लीजिए, इनकी अकल ठिकाना आ जाएगी, वो रेडी वालों के लिए ही तो उठाई थी उन्होंने आवाज़, उसी में ही वो ला दिया, वो समझता है थोड़ा सा एक कमेंट करके काट दिया, अब बीजेपी वालों पर सामान ना लीजिए, आगे क्यों नहीं दिखाते उसने कहाँ से शुरू करा था? क्योंकि ठेली आज केराने के अंदर अगर देखा जा, वही आदमी योगी जो मुख्यमंत्री है केराने में आया और उन्हें नुकाक जी महाराज इतनी सुरक्षा इन चाहिए थी हमें, अब क्यों? अब महाराज तो रोजगार ही बंद हो गया यहाँ का, अब क्यों? अब दुकान लगा के पुलिस बैठी, इसे हड़का कर दो पुलिस के लिए, वही दुकानदार जो है योगी विदेश सिफारिश कर रहे थे कि इसे हड़का कर दो, यानी सुरक्षा हटाने की अगर इसने देखा जा कह रही थे नु कहते हम परेशान है मारे तो कहा चले गए सारे। तो ये चीज जो है, एक तरफ तो चुनाव तो ही गेंद की हो जाए, अगर हमें सुरक्षा चाहिए हमें तो बहुत बढ़िया थे, और एक तरफ दूसरे जो ये व्यापारी है ये सारे नुकेरे दुकानदार, अगर हमें सुरक्षा ऐसी नहीं चाहिए, इतनी नहीं चाहिए जितनी तुम्हें दे दी, इतनी नहीं चाहिए हमें तो रोजगार चाहिए, लेकिन उस बात को दबाया जा रहा है इनकी। केराना प्लान के मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? केराना प्लान, अजी केराना में प्लान हुई कहाँ से? ये जितना भी है मैं यूँ कहूँ नाई दसन पे लगाया गया प्लान का आरोप, लेकिन इसकी जड़ जो है इसका जिन्हें जो कुछ भी यहाँ थी 2-4 अगर ये घटना हुई है, लेकिन इसकी जड़ क्यों नहीं काटी पुलिस ने? सरकार उनकी थी तो उसमें क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाई? किसी की टांग में गोली मार दी गई, किसी को कुछ कर दिया गया, लेकिन वो कभी आज लोग गिरफ्तार नहीं हुए, वो क्या थे? उसमें अगर सही डिटेल से पता लगा ना तो कोई आदमी कहेगा जी अड़ोस पड़ोस से कहा, कोई उन जगह आम का कहाँ का बतावे थे, वो निकला था, वो आवाज़ वहीं दबाई दी गई थी। और देखी जा ये प्लान वाला मामला एक बार यहाँ से ऐसा हुआ था केराने के अंदर, भाईचारे की बात बताऊँ मैं आपसे, केराने के अंदर होली दहन हुआ था यहाँ कब्रस्तान में, वो कौन था? बाबू हुकम सिंह, उसने यहाँ से कर्फ्यू लगवा दिया गया था, कर्फ्यू में 3 दिन के बाद ढील दी गई थी
तो हिंदू मुस्लिम जो कुछ भी था जितनी बिरादरी थी आपस में उक्र मिलते फिर रहे थे। तो यहाँ जो मिलिट्री का जवान थे उन मिलिट्री का जवानों ने कहा था अगवाक केराने में कहते हैं अगर भाई यहाँ से तो आपस में उस पे झगड़ा हो रहा है लेकिन यहाँ जैसा तो माहौल ही नहीं रखा। लेकिन जब भी कोई दंगा तो हुआ नहीं हिंदू ना जी बिल्कुल नहीं हुआ जी आज तक होया ही नहीं और ना होना के ये भी अब समझ गए ये जितने भी थे सब समझ गए लोग बाग अगर ये तो यहाँ से जो कुछ है राजनीति की रोटी सेकी जा रही। तो उस समय जो है जब भी यहाँ तक कर्फ्यू हटा लिया गया था उससे पहले कभी कर्फ्यू लगा ना उससे बाद में लगा कभी और लगने का भी नहीं ये भी हालत होने वाली है यहाँ से या कभी जनता जो है ऐसी उसमें जाने की नहीं। यूँ देख लो तुम अगर जहाँ से मुख्यमंत्री आ रहे गृह मंत्री आ रहे लेकिन किसके लिए एक नाहिद के लिए एक नाहिद के लिए इस चुनाव में अगर ये इस बात को देखे किसी रोजगार के लिए आते किराने में जब जनता जानती है कहा भाई किसी को रोजगार देने का काम करा या किसी उसके किसी हॉस्पिटल के लिए आते किराने में भी इतना बड़ा हॉस्पिटल दे रहे या किसी डॉक्टरी की दवाई के लिए आते अगर भाई यहाँ से इलाज फ्री कर दिया हमें या किसी बिजली के लिए आते बिजली है नु कह 24 घंटे बिजली दे दी हाँ बिजली कहाँ है अगर आप ब्याह जाए बार पकड़ू इसका तीनों तार पकड़ू देखो बिजली है यहाँ कह 24 घंटे बिजली आती है वो तो कोई तो कहेगा एक तार पकड़ के देख मैं तीनों पकड़ू इसके हाँ तो इन चीजों का जो कुछ है हमें चाहिए यहाँ का रोजगार यानी क्या हो रहा है दावा कर रही है बिजली की आपूर्ति का वो अजी कहाँ से है पूरा पूरा दिन बिजली नहीं आती यहाँ से रात को करीब मेरे ख्याल से हाँ 2 घंटे आवेगी फिर उसके बाद फिर भाग जाएगी 2 घंटे आवेगी फिर भागेगी। अगले सरकार में यहाँ 18 घंटे बिजली जो है खेत वाली चली लेकिन अब क्या है 5 घंटे खेत वाली बिजली नहीं चल रही हाँ अब क्या है अभी तो 4 घंटे बिजली नहीं चल रही पूरी क्यों इन्हें पता है अब बिजली का बिल तो है जो हमें बढ़ा दिया 2000 रुपये महीना 2000 रुपये महीना 2200 पड़ रहा अच्छा और बिजली नहीं आ रही यहाँ से 5 घंटे भी इन्हें दिक्कत है छोटे काश्तकार ने भी एक एक ट्वेल्व चाह गई अन्य जो बिजली 18 घंटे देता है तो 10 काश्तकार जो है ना एक बिजली पे कंट्रोल कर जाएंगे तो इनकी सोची समझी चाल है अब किसान को मारने के लिए हाँ प्लान प्लान हो रही हमारे गांव में से भी 100 लड़के जाए पानीपत में रोजगार के लिए रोजगार नहीं है कुछ नहीं है तो आदमी अपना पेट पालन तो करेगा यही अमित शाह यहाँ किराने में आ रहा 13 महीने हम वहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे एक दिन भी सुध नहीं ली इन्हें किसी काश्तकार की आज काश्तकार के बारे में बता रहे हैं हमें काश्तकार के बारे में ये कर दिया हमें पेमेंट दे दिया सुरेश राणा गन्ना मंत्री है पिछले साल का बकाया सुरेश राणा गन्ना मंत्री है हमारे यहाँ इसी जिले का थाना भवन सीट से लेकिन उसने यहाँ से अपने जिले का भी काम नहीं करके दिखाया और भी कुछ नहीं करने का पेमेंट ही दिलवा देता टाइम पे ये तो काश्तकार तीन ऐसी तीनों मिल आपकी जो प्रदेश की 5 शुगर मिल है जी जी टोप में आपकी मिल पेमेंट रुकने में अजी अब आया यो भी अब दिया इस पिछले साल का अब दिया जो पिछले साल का आपका कहाँ है काश्तकार अगर गन्ना छुलवाता है ना तो काश्तकार गन्ना छुलवाने के बाद जो मेहनती है वो गेल लगी कहता है मुझे दे दो इतने वो साल भर नहीं रुकता वो 15 दिन नहीं रुकता वो नू कहते शाम को मुझे दे दे मेरे बच्चे भूख के बैठे तो ये देखो ये जान कर साजिश हो रही है बीजेपी सरकार की अब काश्तकार को घुटने नीचे टेक दो क्योंकि काश्तकार जो है ना अच्छी शादी लग गया था करण अच्छा रहन सहन हो गया था लेकिन ये नहीं पता होगा उसकी मेहनत कितनी है जोड़ से अन्न यही नु कह रहे हर महीने हम 2 बार दे रहे हैं अन्न ये अन्न पैदा नू देख लो ये किसका कराया हुआ है अगर किसी वजह से कोई ऐसी आपात स्थिति आ गई देश में तो नया आना जाना शुरू हो रहा है अभी जो बांट रहे हैं ये लेकिन कहाँ से पूरा पाटेंगे ये इनका तो कोई विदेश भी नहीं देने वाला है विदेश भी इनके दौरे देने वाला नहीं है उन्हें तो दे के इसमें कोरोना में छक दिए कोरोना में जितना भी दिया यहाँ से क्या कराया इन्हें कुछ नहीं एक वैक्सीन भी लियो अगली वैक्सीन लगवा लो क्या दिया इन्हें कुछ नहीं दिया वो अभी जनता देखना चाह रही है कोरोना में कोरोना वाली जनता वो अभी जो 50-50 किलोमीटर से पैदल चले अपने बच्चों ने लेकर हमें यहाँ खाना खिलाया उनसे योगी सरकार कहाँ गई थी उस दिन बीजेपी सरकार हमें यहाँ से भंडारा दारा मलकपुर गाँव में या गंदराव गाँव में हाँ जमुना मनाए हमें रखे बच्चों से कपड़े दिए और खाना खिलाया लेकिन वह जनता आज याद रखेगी आज मुंह तोड़ जवाब देगी इसी बीजेपी सरकार से। कैराना विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग थे जिन्होंने कैराना प्लान समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से बताया। आगे भी हम आपको कैराना विधानसभा क्षेत्र के अन्य गांवों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर दें।